वचन 25 रोमियो का चौथा अध्याय और वचन 25, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, मतलब मारा गया, क्रूस पर टांगा गया, क्रूस पर भेदा गया, छेदा गया, लहूलुहान हुआ, क्रूस पर कुर्बान हुआ और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। ये मैंने इसको पावर वर्स रखा है, रोमियो 4:25 ये पावर वर्स है, ये मूल वचन है। धर्मी हम कैसे हुए? यीशु के मारे जाने से नहीं, तो यीशु के जिलाने जाने की वजह से हम धर्मी होते हैं। इसलिए एक मसीह के जीवन में यीशु का बलिदान जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही यीशु का पुनरुत्थान भी महत्वपूर्ण है। आज हमारे जीवन में आज एक बातों को समझना होगा, बहुत सारे लोग अभी भी उन बचकाने बातों में पड़े हुए, बहुत सारे लोग पाप में बार बार गिरते हैं, बार बार वही गलतियां करते हैं, वही बात बार बार दोहराते हैं और वो एक ही वचन को क्लेम करते हैं। क्या कहते पता है? वो कहते हैं यीशु मसीह इस संसार में पापियों के लिए आया। निश्चय, आई एग्री, निश्चय यीशु मसीह संसार में पापियों के लिए आया, लेकिन उन्हीं पापियों के लिए रोमी 4:25 के अनुसार वो मारा गया, वो गाड़ा गया और वो मृत्यु में से जिलाया गया ताकि वो पापी धर्मी बन जाए। यीशु मसीह निश्चय पापी के लिए आया है, लेकिन अभी मध्य आकाश में जब वो आएगा तो वो पापियों के लिए नहीं आएगा, जो उसके लहू से धर्मी हो गए अभी यीशु मसीह धर्मियों के लिए आएगा। इसलिए अभी उसी वचन का रट्टा मारना हमने बंद करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने आप को कहते मैं तो बहुत ही कमजोर हूं, अब इस कमजोरी से हमें बलवान होने की जरूरत है। पौलुस कहते हैं मसीह में बलवान हो जाओ। क्यों बलवान हो जाओ? अभी वो दिन खत्म हो गए कि हम बार बार वही गलतियों को दोहराते हुए उसी वचन का रट्टा मारे कि यीशु पापियों के लिए आया। निश्चय यीशु पापियों के लिए आया, लेकिन अभी धर्मियों के लिए आएगा। उन धर्मियों के जन समुदाय को यीशु लेने लेकर जाएगा जिन्होंने यीशु के बलिदान पर केवल यकीनी नहीं किया, जिन्होंने पुनरुत्थान पर यकीनी नहीं किया, तो अपने जीवन में मसीह का बलिदान और मसीह का पुनरुत्थान व्यर्थ होने नहीं दिया। यीशु के बलिदान और पुनरुत्थान से एक पवित्र जीवन जीते हुए जिन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, जो आखिरी सांस तक उससे ईमानदार है, जो धर्मी जीवन जीने की रोज कोशिश करते है, उन धर्मियों को यीशु लेकर जाएगा। फिर वो कब्र में हो या जिंदा हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा बड़ा अभिषेक, मेरी बड़ी सेवकाई, मैंने किए हुए बड़े प्रचार, मैंने दिए हुए बपतिस्मे, मैंने जमा किए हजारों लोग, इनके द्वारा मैं यीशु के साथ नहीं जाऊंगा। अगर मैं धर्मी जीवन जीता हूँ, धर्मी चाल चलता हूँ, तो यही जीवन मुझे यीशु के साथ लेके जाने के लिए कारण बनेगा। इसीलिए जो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में जी रहा है कि यीशु पापियों के लिए आया है और इसी वचन की पूछ पकड़ कर चल रहा है, तो वो आगाह हो जाए, वो चौकस हो जाए, वो सावधान हो जाए, क्योंकि अभी यीशु पापियों के लिए आएगा तो यीशु धर्मियों के लिए आएगा। हालेलुया, ये बातों को समझना बहुत जरूरी है। पुनरुत्थान दो कैटेगरी का होगा, बाइबल कहती है पुनरुत्थान धर्मियों का भी होगा और अधर्मियों का भी होगा। लेकिन जो पहले पुनरुत्थान में है, बाइबल प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय वचन 4 से आगे जिक्र करती है, जिन्होंने पहले पुनरुत्थान में भाग लिया है उन पर दूसरे मृत्यु की सत्ता नहीं चलेगी, वो परमेश्वर के पवित्र याचक बनेंगे। मुझे और आपको उस पहले पुनरुत्थान में कौन लेके जाएगा? हमारा यीशु लेकर जाएगा। कब लेके जाएगा? जब आप और मैं धर्मी जीवन जिएंगे। ये धर्मी जीवन बहुत जरूरी है चीजों। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की बातों को हल्के में लेते हैं, उन्हें कुछ इतना खास लगता नहीं है, उनको मसीह जीवन के बारे में इतना सीरियसनेस नहीं रहा। पिछले साल बहुत सारे लोग प्रार्थना योद्धा बन गए थे। बहुत सारे लोग ऑनलाइन में ब्रदर आते आते वो पास्टर और प्रॉफिट बन गए, लेकिन आज की डेट में माहौल थोड़ा ठीक ठाक हो गया, फिर से इंसान अपनी पुरानी चाल चलन में चला जा रहा है। मुझे आपको बताना है, आपको आगाह करना है, यीशु मसीह को भी धर्मी पुरुष कहा गया है। वो धर्मी पुरुष हम जैसे अधर्मियों के लिए
2022 साल पहले मारा गया, इसलिए मारा गया, उस धर्मी के बलिदान से हमें धर्मी जीवन मिलता है ताकि हम धर्मी जीवन जिए, क्योंकि वो जब आएगा तब अधर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए नहीं, तो वो आएगा तो धर्मियों के लिए आएगा। इसलिए सावधान, आपको चेतावनी मिल रही है, क्या मैं धर्मी जीवन जी रहा हूं? धर्मी जीवन के बारे में क्या मैं सच में मेरे जीवन में मैं गंभीर हूं? क्या मैं उस सीरियसनेस से चल रहा हूं? क्या मेरे जीवन में अभी भी मैं दुनियादारी और सभी प्रकार की अशुद्ध बातों में पड़ा हूं? मुझे उससे बाहर आना होगा, मुझे वही वचन का रट्टा मारना बंद करना होगा कि यीशु मसीह पापियों के लिए आया है। ये बचपन का दूध पीने वाले लोगों के लिए वचन है, लेकिन परिपक्व कहता है निश्चय मैं धर्मी जीवन जीऊंगा। लेकिन सवाल ये आता है, कुछ वचनों को लेकर थोड़ा सा हम नेगेटिवली भी विचार करेंगे। रोमियो का तीसरा अध्याय और वचन 10, रोमियो का तीसरा अध्याय और वचन 10 क्या कहता है देखेंगे। जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। मुझे आपको मेरे लाइफ की एक टेस्टमनी, एक गवाही शेयर करनी है आजीजो। जब मैं नया नया प्रभु में आया था, मैं कुछ सीनियर्स लोगों के साथ था। अब वो सीनियर्स लोगों में कुछ लोग वर्शिप करने वाले थे, कुछ लोग प्रचार करने वाले भी थे, लेकिन उनके अंदर छोटी छोटी आदतें मैं देख रहा था। कोई वो खैनी वाला पान खाने वाला था, कोई स्मोक करने वाला था, लेकिन ये लोग सारे परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के भवन में काम करने वाले लोग थे। और मुझे उन लोगों ने, मैं जब मैं नया नया था तब मुझे ये रोमियो 3:10 का वचन दिखाया। और रोमियो 3:10 कहता है, लिखा है धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। और इसीलिए वो कहते थे कोई चिंता नहीं राजू, कोई बात नहीं, पश्चाताप करो, परमेश्वर क्षमा करेगा। उसमें से एक महागण तो मुझे ऐसा मिला, वो एक रेवरेंड के पुत्र थे, वो रात को मदिरा पीते थे और सुबह उठकर चर्च में आकर वो घुटनों के बल दुआ करते थे। उन्होंने मुझे कहा परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, वो आया ही पापियों के लिए। और रोमियो 3:10 का वचन मेरे सामने लटका दिया कि कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। तो सवाल यह आता है कि अगर कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, लिखा है, कहा लिखा है? वो लिखा है भजन संहिता 14:1-3 और भजन संहिता 53:1-3। वहां पे लिखा है कोई समझदार नहीं, कोई भलाई का काम करने वाला नहीं, परमेश्वर ने देखा कोई भी नहीं। लेकिन ये भजनकार दाऊद ने जब लिखा, उस जमाने की वो परिस्थिति थी, उन लोगों में उसे दाऊद ही दिखा, इसलिए दाऊद को परमेश्वर ने खड़ा किया। तो इसका मतलब ये नहीं है। फिर उसके बाद एक बात हम देखते हैं कि धर्मी जीवन जीने के लिए व्यवस्था आई, व्यवस्था, लॉ। तो व्यवस्था के पहले भी कुछ लोग धर्मी हमें दिखते हैं और व्यवस्था के बाद भी कुछ धर्मी दिखते हैं। गौर से सुनो मेरी बात, व्यवस्था आने से पहले भी कुछ धर्मी लोग दिखते हैं और व्यवस्था आने के बाद इवन यीशु मसीह इस संसार में जन्म लेने तक कुछ धर्मी लोग दिखते हैं। व्यवस्था के पहले भी धर्मी है, व्यवस्था के बाद भी धर्मी है, लेकिन यहाँ पे बाइबल कहती है धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। अब बहुत सारे पापी लोग, मसीह पापी लोग, ये बोलना गलत नहीं है, बीड़ी मसीह, सिगरेट मसीह, तंबाकू मसीह, जो इस वचन का गलत इस्तेमाल करते हैं, कोई धर्मी नहीं है। मैं आज कुछ बातों को इस आज के इस सेशन में, मैं केवल आपको आज पहला सेशन में, मैं केवल आज इसका केवल आपको मैं टाइटल बताने वाला हूँ, धर्मी और अधर्मी जीवन का। और इस टाइटल में मैं पूरी डिटेल बातें नहीं बताऊंगा आज, लेकिन मैं आपको एक बात आज के दिन बताता हूँ। जैसे जैसे ये एपिसोड आगे जाएगा ना, यू विल एंजॉय, आप आनंद करोगे। आपके जीवन में अगर सच में आप धर्मी जीवन जी रहे हो ना, तो ये आने वाले दिनों के जो संदेश है ना, आपको रिवाइव करेंगे, आपको ताकत देंगे, आपको सामर्थ्य देंगे, आपको प्रभु में आनंद करने के लिए सहायता करेंगे। लेकिन अगर कोई बनावटी
धोम से बना हुआ जीवन जी रहे ना, उसको तोड़ेगा, उसको चुभाएगा, उसको काटेगा। अगर कटता है तो कटने दो और अधर्मी जीवन से धर्मी जीवन में आने की कोशिश करो। बहुत जबरदस्त, मैं आपको ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा जो अगुवाई होती है वो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज मैं केवल इसकी नींव रखने जा रहा हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में हर सप्ताह में आप इंतजार करोगे कि क्या आने वाला है मेरे लिए, कौन सी बात नहीं मैं देखने वाला हूँ। इतना अद्भुत भंडार परमेश्वर ने इस विषय के ऊपर दिया गया है कि अगर उसको हम अध्ययन करेंगे तो सालों बीत जाएंगे, इतना भंडार प्रभु ने दिया है। लिखित स्वरूप में कुछ नहीं मेरे पास, परमेश्वर ने मेरी रूह में वो रखा हुआ है। और परमेश्वर चाहता है कि आज के दिनों में परमेश्वर यीशु मसीह, जो धर्मी पुरुष, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जिसके मारे और गाड़े जाने से हम धर्मी बनते हैं, वो जब आएगा धर्मियों के लिए आएगा। परमेश्वर चाहता है कि इन वचनों के द्वारा जो अधर्मी है वो धर्मी भाव पे चले और जो धर्मी है उनकी कक्षा बढ़े। आप कहेंगे धर्मी की कक्षा क्या है? निश्चय हम धर्मी होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग धर्मी होने के बाद, आपको और एक बात एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला अगर कोई बच्चा है और कोई दसवीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा है, तो उसे विद्यार्थी कहा जाता है या स्टूडेंट कहा जाता है। लेकिन जब उसकी कक्षा पूछी जाती है तब समझ में आता है कि ये बच्चा है या बड़ा है। आज के डेट में मसीहत में बहुत सारे धर्मी है, लेकिन सालों से वो एक ही कक्षा में बैठे हुए, ना वो आगे जा रहे ना पीछे आ रहे। वो कहते हैं बस चल रहा है अपना, ऐसा ही चलने दो, हमको आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे लोग भी इस विषय को सुनने के बाद अपनी कक्षा बदलेंगे और परमेश्वर के लिए महिमा का कारण बनेंगे। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए कुछ वचन को हम देखेंगे। बाइबल कहती रोमियो 3:10 में हमने जो देखा है कि लिखा है कि धर्मी कोई नहीं है। अब अगर हम कुछ ऐसी बातों को हम ध्यान देंगे कि व्यवस्था के जो धर्मी है वो कैसे है, पहला करंथियो सॉरी रोमियो 2:13 और वचन 13 क्या कहता है देखेंगे। रोमियो 2:13 वचन 13, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं है, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। मतलब ये तर्क के ऊपर डिपेंड है। दूसरा वचन रोमियो 3:20 क्या कहता है वो भी पढ़ेंगे। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसीलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। लेकिन वचन कहता है परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता भी देता है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब व्यवस्था के अनुसार भी कुछ धर्मी लोग हमें बाइबल में मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग रोमियो 3:10 को गलत इस्तेमाल करते हैं कि धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं है। ये उस जमाने में परमेश्वर ने जब अपनी दृष्टि दाऊद के जमाने में लगाई थी तब उसे कोई धर्मी नहीं मिली। लेकिन अगर हम एक बात देखते हैं कि धर्मी कोई नहीं है, तो फिर परमेश्वर के राज्य में कौन जाएगा? अधर्मी नहीं। पहला करिन्थियों 6:9 क्या कहता है देखो, गौर से सुनो। पहला करिन्थियों 6:9 क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? यहाँ पे थोड़ा हिंदी में गड़बड़ी हुई है ट्रांसलेशन में। एक्चुअल में वहां पे धर्मी होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो ESV वर्जन का जो बाइबल है उसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। एक्चुअली अन्यायी की जगह पे अधर्मी आना चाहिए था। 1 Corinthians 6:9 और डू यू नॉट नो दैट द अनराइचियस विल नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। अनराइचियस मतलब अधर्मी। वो अधर्मी के लिए बाइबल कहती है कि अधर्मी के लिए परमेश्वर के राज्य में मिराश या वारिस नहीं हो सकता हो। तो फिर मुझे बताओ, फिर यीशु मसीह का आना व्यर्थ हो गया? इसका मतलब लोग व्यवस्था पर ही धर्मी बने, लेकिन यीशु मसीह ने जब सूली पर प्राण देने से पहले कहा पूरा हो गया। बाइबल कहती है कि वो व्यवस्थाधीन बनकर आया
अब उसने अपने जीवन में सभी बातों को फॉलो करते हुए सभी बलिदानों को पूरा करते हुए उसने सूली पर कहा पूरा हो गया। इसीलिए पवित्र और परम पवित्र स्थान को जोड़ने वाला पर्दा जो ऊपर से नीचे तक फट गया पर्दा। क्यों? क्योंकि अभी मुझे व्यवस्था के अधीन नहीं होना है। जिसने व्यवस्था को अपने जीवन में पूरा किया उस यीशु मसीह में आपको मुझे जीना है। अब जो यीशु मसीह में जीता है इसी अध्याय में दूसरा करिन्थियों 6 वचन 9 को हमने देखा है। इसी अध्याय को थोड़ा सा नीचे आएंगे ना 11 वचन में सॉलिड बात हमें दिखती है। देखो 11 वचन क्या कहता है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, अंधेर करने वाले, अधर्मी, मूर्ति पूजक, सभी प्रकार के पाप करने वाले, चोर, लोभी, पियक्कड़, गाली देने वाले, अशुद्धता में वेश्यागमी, सभी प्रकार के पाप करने वाले अधर्मी थे। बाइबल कहती और तुम में से कितने ऐसे थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। बहुत सारे लोगों ने गलत शिक्षाओं को फैलाया है। कुछ लोगों ने अपने पाप के ऊपर पर्दा डालने के लिए रोमियो 3:10 का सालों से इस्तेमाल किया है। मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ अब पर्दा उड़ गया है। क्योंकि मैं भी शुरुआत के समय में जब मैं बच्चा था, जब मेरी शुरुआत थी, जब मैं नया नया मसीह बन गया था, मुझे उद्धार का नया नया अनुभव था, मुझे इतना ज्ञान नहीं था, तब मैंने भी ऐसा ही समझा था कोई धर्मी नहीं। और थोड़ा थोड़ा इन लोगों की भाव पे मैं भी चलने लग गया था। लेकिन जिस दिन परमेश्वर की आत्मा ने कुछ बातें मुझे पर्सनल स्टडी में बताना शुरू कर दिया, तब मैं पश्चाताप के साथ आया और प्रभु को कहा मैं भी उन अधर्मियों के जैसा था, मुझे तेरे पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा तूने मुझे धोया और ना केवल पवित्र किया केवल आप मुझे धर्मी भी बनाया है। और कुछ लोग कहते धर्मी कोई नहीं। किस तरीके की शिक्षा आज लोगों के जीवन में फैल रही है, जिसकी वजह से ये गड़बड़ी और ये भरमाने वाली बातों की वजह से आज भी लोग बंधनों में पड़े हुए। इन दिनों में हमें इन वचन के सच्चाई से वाकिफ होना होगा, क्योंकि यूहन्ना 8:32 कहता है सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद या स्वतंत्र करेगा। ये दिन है हमें स्वतंत्रता में परमेश्वर के इंतजार में, क्योंकि बाइबल कहती है जिसको यीशु मसीह का आना प्रिय है उन्हीं को लेकर जाएगा। क्या मुझे उसका आना प्रिय है या अभी भी मैं अधर्मी बातों में पड़ा हुआ हूँ, अन्यायी बातों में पड़ा हुआ हूँ, मुझे वहां से बाहर निकलना होगा। व्यवस्था के अनुसार हमने देखा कि कुछ लोग धर्मी होने का प्रयत्न करते। थोड़ा सा मैं आपको इंफॉर्मेशन के हिसाब से बताना चाहता हूँ। व्यवस्था के पहले बाइबल 3 लोगों का जिक्र करती है व्यवस्था के पहले 3 लोगों का जिक्र करती है कि जो धर्मी ठहरे। आमीन। कौन होगा वो व्यक्ति, उसके बारे में पहली बार बाइबल में धर्मी ये शब्द लिखा गया, वो है हमारे नूह बाबा, नोहा। नोहा के बारे में अगर हम देखते उत्पत्ति 6:9 और उत्पत्ति 7:1 में परमेश्वर कहता है इस धरती के ऊपर नोहा के जैसा, नूह के जैसा कोई धर्मी नहीं है। उस वक्त का संसार जो बटा हुआ था सभी प्रकार की अशुद्ध बातों में, क्या मानव, क्या प्राणी, क्या पशु, क्या पक्षी, ये सारे भ्रष्ट हो गए थे। और उस सब भ्रष्ट परिस्थिति में परमेश्वर जब ऊपर से देखता है तब उसे एक व्यक्ति दिखता है जिसका नाम है नूह, जिसके बारे में बाइबल कहती है कि नूह एक धर्मी व्यक्ति। आइए उस वचन को पढ़ेंगे, आपके बाइबल में आप निकाल सकते हैं उत्पत्ति 6:9 और उत्पत्ति 7:1, प्रारंभ की किताब उसका 6 और उसकी 9 नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। 3 बताइए नूह के बारे में। अपने समय के वक्त, अगर उस समय को देखेंगे आप तो परमेश्वर ने सृष्टि को, मानव को बनाकर बाइबल कहती है वो पछताया, सारा भ्रष्ट हो गया
वो क्यों भ्रष्ट हो गया ना, मैं आपको थोड़ा एडवाइस करना चाहता हूँ। यूट्यूब चैनल देखने वालों लोग, आप सचिन क्लाइव ब्रदर जी के मैसेजेस देखो, इन दिनों में बहुत जबरदस्त टीचिंग दे रहे हो, बहुत पावरफुल शिष्य है कि वो नफीलिम कौन है, वो अनाकी वंशी कौन है, वो परमेश्वर के पुत्र जिन्होंने आके मनुष्य की पुत्री के साथ शादी की और बलवानों को पैदा किया। बहुत जबरदस्त शिक्षा वचन टू वचन दिए, उसके बारे में जब मैं बता रहा हूँ, अगर वो आप देखोगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझेगा। बाइबल यहाँ पे कहती है, नू उस समय के परिस्थिति में नू धर्मी पुरुष था और खरा व्यक्ति था, और तीसरी पहचान की है, एक जिक्र किया है, वो परमेश्वर ही के साथ ही लगाया, ही उस हालात के साथ नहीं, उस भ्रष्ट संसार के साथ नहीं, किसी गलत दोस्ती यावी के साथ नहीं। तो बाइबल कहता है वो हनोक के जैसे परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। यहाँ पे ये धर्मी व्यक्ति की पहचान है। साथ एक में कहता है, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। और कुछ लोग कहते हैं धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, जिसके द्वारा संसार शुरू हो गया फिर से, उस नूह को बाइबल धर्मी कहती है। उसके बाद एक्चुअल में पहला नाम हाबिल का आना चाहिए, लेकिन लिखित स्वरूप में उत्पत्ति में नहीं है, ये प्रकाशन नए नियम में सेंट पॉल को मिला, और वो इब्रानी का 11 अध्याय और वचन 4 में व्यवस्था के पहले वो उस व्यक्ति का जिक्र करता है जो धर्मी है। विश्वास ही से, इब्रानी 11:4, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। भले हाबिल मर के हजारों साल बीत गए, लेकिन हाबिल के बारे में कोई मनुष्य नहीं, कोई स्वर्गदूत नहीं, कोई भविष्यवक्ता नहीं, कोई संत नहीं, कोई प्रेरित नहीं, तो खुद परमेश्वर गवाही देता है कि ये हाबिल है जिसने परमेश्वर को भेंट दी, और भेंट के वजह से वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हो गया। वास्तविक अगर हम देखेंगे तो पहला नाम नए नियम पुराने नियम में हाबिल का आना चाहिए, लेकिन ये प्रकाशन पौलुस को मिला, ये प्रकाशन पौलुस को उसके दिनों में मिला, और परमेश्वर ने उसको बताया। एक थोड़ा सा और एक बात मैं उसके ऊपर उजाला डालना चाहता हूँ, उत्पत्ति का 4 अध्याय और वचन 4 क्या कहता है देखो, ऐसी कौन सी बात थी कि जिसके वजह से परमेश्वर ने हाबिल को धर्मी कहा, ऐसी कौन सी बात थी कि जिसके वजह से परमेश्वर हाबिल को धर्मी कहता है। सिंपल बात है, मैंने उसको बहुत सालों के बाद समझा, आपके लिए एकदम रेडीमेड मसाले के साथ सामने में रखता हूं। उत्पत्ति का 4 अध्याय और वचन 4, हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कहीं एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। आगे सुनो, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। आगे दिए 5 वचन में, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। आपको समझ में आ रहा है मुझे क्या बताना है? बाइबल यहाँ पे जिक्र करती है भेंट को नहीं, पहले हाबिल और फिर उसकी भेंट। मैं इस मुट्ठी से मेरे चर्च के अंदर क्या डाल रहा हूँ उसको इतना महत्व नहीं है। मैं किसी पैकेट में मेरा दसवांश हो, थैंक्सगिविंग ऑफरिंग हो, मेरा टाइट हो, मेरा जो भी सीक्रेट ऑफरिंग हो, जब मैं वो डाल रहा हूँ ना, उसको महत्व नहीं है। पहले महत्व किसको है पता है? पहले देने वाला हाथ जिसका है ना, उसको महत्व है। बाइबल जिक्र करती है उत्पत्ति 4:4 में, परमेश्वर ने पहले हाबिल, मतलब हाबिल को पहले ग्रहण किया, फिर उसकी भेंट को ग्रहण किया। इसीलिए मुझे आपको बताना है, आज आने वाले दिनों में
जब परमेश्वर का पुत्र आए तो वह आपको और मुझे ग्रहण करे, उसके लिए पहचान यह है धर्मी जीवन जीना। यह धर्मी जीवन जीना बहुत जरूरी है चीजों। बहुत सारे लोगों को जब हम धर्मी जीवन के बारे में बोलते हैं तो उन्हें ताना लगता है। जब हम अशुद्ध बातें छोड़ने के लिए, पवित्रता की राह पे चलने के लिए, धर्मी जीवन जीने के बारे में जब प्रचार करते, लोग कहते हैं कि ये लोगों के पास दूसरा कोई बात नहीं है, बार बार यही टॉपिक के ऊपर ये प्रचार क्यों कर रहे? इसलिए कर रहे कि मुझे कोई भीड़ को मेरे पास लाना नहीं है, मुझे वो भेड़ बनानी है जो धर्मी भेड़ है, उस धर्मी भेड़ के लिए धर्मी चरवाहा आने वाला है। अगर वो भेड़ धर्मी नहीं है, अगर वो बकरा बनी हुई है या बकरी बनी हुई है, तो मुझे आपको बताना है, बाइबल जिक्र करती है परमेश्वर भेड़ों को और बकरों को और बकरियों को अलग करेगा। उस चरवाहे के लिए वही भेड़ वो लेकर जाएगा जो धर्मी है। मुझे हाबिल का ये वर्णन बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी मेरे चर्च में मैं खुद ऑफरिंग डालता हूं ना, तो मेरी पहली प्रार्थना है, प्रभु इस अमाउंट को महत्व नहीं है, पहले तू मुझे ग्रहण कर, फिर उसके बाद जो मैं उस थैली में डालने वाला हूं ना उसको ग्रहण कर। इसीलिए बाइबल में यीशु मसीह ने मेरे ख्याल से मत्तै 5:23 में एक उदाहरण दिया कि अगर तू वेदी पर आता है, वेदी पर कुछ देने के लिए, अर्पण करने के लिए आता है, भेंट देने के लिए आता है, और तुझे याद आता है कि तेरे भाई के मन में या तेरे मन में किसी खिलाफ कुछ है, पहले जाके उन बातों को सॉर्ट आउट कर, फिर आके तेरा भेंट चढ़ा। परमेश्वर हमारी बड़ी बड़ी भेंटों में इंटरेस्टेड नहीं है, परमेश्वर पहले हमारे व्यक्तिगत जीवन में इंटरेस्टेड है। मैं खुदा को कितना पैसा देता हूँ, कितनी बड़ी टाइड देता हूँ, उसमें खुदावन पहले इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वो रुचि रखता है ना, तो हमारे जीवन में रुचि रखता है। इसीलिए उत्पत्ति 4:4 कहता है कि परमेश्वर ने हाबिल और उसके अर्पण को ग्रहण किया। केवल अर्पण को नहीं ग्रहण किया, तो पहले हाबिल को ग्रहण किया। क्या हाबिल की जगह पर आज मैं हूं? क्या परमेश्वर मुझे ग्रहण करेगा? मैंने नए साल का मेरे चर्च में मैसेज दिया, परमेश्वर कहता है कि मैं उनको ग्रहण करूंगा, तब वो मेरे पुत्र और कन्या बनेंगे। मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया है, लेकिन क्या परमेश्वर ने मुझे ग्रहण किया है? अगर परमेश्वर मुझे ग्रहण करे, अगर ऐसी मेरी इच्छा है, तो मुझे आज से परमेश्वर को भाने वाला धर्मी जीवन जीना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने हाबिल को क्यों ग्रहण किया? परमेश्वर ने नूह को क्यों ग्रहण किया? परमेश्वर ने इब्राहिम को क्यों ग्रहण किया? क्योंकि वो धर्मी जीवन जी रहे थे। उन्होंने संसार के साथ, कोई भी इस युग के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया। भले उनको लोगों ने तुच्छ माना, भले लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन खुदा की दृष्टि में जो योग्य है वो चाल चलते रहे। इसीलिए खुदावन ने इन लोगों को ग्रहण किया। परमेश्वर चाहता है इन दिनों में ये धर्मी चाल चलन रखने वाले मेरे लोग बने, वो तब मैं मेरे पुत्र को भेजूंगा जो धर्मी मनुष्य इन लोगों के पापियों के लिए मारा गया, और उसका लहू बहाना, उसका प्राण देना और मृत्यु में से जिलाना जाना उन लोगों को धर्मी बनाता है, उद्धार के द्वारा उन्हीं को लेकर जाएगा। मैं मसीह परिवार में जन्मा, इसलिए मैं धर्मी नहीं हूँ। मैं किसी चर्च का मेंबर हूँ, इसलिए मैं धर्मी नहीं हूँ। मैं बड़ी बड़ी सेवकाएं करता हूँ, इसलिए मैं धर्मी नहीं हूँ। मैं धर्मी होने के लायक का नहीं हूँ, मुझे जिसने धर्मी बनाया है, क्या मैं रोज उसकी इच्छा के अनुसार जीता हूँ? ये लोग है जो व्यवस्था के पहले धर्मी है। अब एक व्यक्ति है जिसका नाम है इब्राहिम, जिसके बारे में नए नियम में याकूब को प्रकाशन मिला, जो प्रभु का भाई, जिसका पुनरुत्थान के बाद उद्धार हुआ, वो अपने पुस्तक में, वो अपने पत्र में लिखता है, याकूब का दूसरा अध्याय और वचन 21 में, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वो कामों से धर्मी ना ठहरा था? आमीन। तब व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्था के पहले हाबिल, नूह और इब्राहिम, उसके साथ साथ नीचे एक ऐसी व्यक्ति का जिक्र किया गया है, एक वेश्या का जिक्र किया गया है जिसका नाम है राहाब। वो राहाब जिसको व्यवस्था तो पता नहीं थी, व्यवस्था का परमेश्वर पता था, एक अन्य राष्ट्र में रहने वाली, एक कुकर्म करने वाली, लेकिन जब उसने परमेश्वर की योजना में अपना योगदान दिया, तो बाइबल कहता है कि उसी विश्वास की क्रिया से राहाब धर्मी हो गई। और एक बात उसके बारे में बताना चाहता हूं, अगर आप नए नियम में उत्पत्ति
मत्ते की किताब में पढ़ोगे, जब वंशावली के पास आप जब आओगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मत्ते 1:5 में वहां पे राहाब का जिक्र किया गया है। परमेश्वर ने ना केवल उसको धर्मी ठहराया, तो एक कलंकित व्यक्ति का जीवन बदलकर उसको एक आदर्शमय जीवन दिया और उस व्यक्ति को यीशु मसीह उद्धारक उसकी वंशावली में लाके रख दिया, उसके गोत्र में लाके रख दिया। ऐसा हमारा परमेश्वर। व्यवस्था के पहले कुछ लोग हमें धर्मी दिखते, व्यवस्था के बाद भी धर्मी है जो हमें यीशु मसीह के जमाने में दिखते, जिसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूं। मत्ती सुसमाचार यहाँ पे हमें पहला धर्मी व्यक्ति दिखता है। मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय वचन 19, अतः उसके पति मतलब मरियम का पति यूसुफ ने जो धर्मी था, क्या लिखा है, यूसुफ धर्मी था। यीशु मसीह का जन्म होने से पहले जिस स्त्री के साथ उसकी एंगेजमेंट हुई थी, उसने देखा कि वो गर्भवती है। बात की सारी स्टोरी हम क्रिसमस में सुन चुके, लेकिन जो बाप होने वाला था, जो संसार का बाप कहलाने वाला था, उसके बारे में पहचान ये की थी कि वो व्यक्ति धर्मी था। अब कुछ लोगों ने हमको बताया रोमियो 3:10 में कि धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। क्या विषय चल रहा है आज की जगह जमाने में, आज एक बात बताना चाहता हूँ। लुका रचि सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय वचन 25 में भी और एक धर्मी हमें दिखता है, जिसका नाम है शमोन। एक वयस्क व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति। लुका रचि सुसमाचार दूसरा अध्याय वचन 25, यरूशलेम में शमोन नामक एक मनुष्य था, अब वो मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बात जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। वाओ, 3 स्पेशलिटीज व्यक्ति के अंदर। नंबर 1 वो धर्मी है, नंबर 2 वो भक्त है, नंबर 3 पवित्र आत्मा उसके ऊपर था। क्या अद्भुत बात है। इसका मतलब व्यवस्था के अनुसार कुछ लोग धर्मी थे लेकिन बहुत कम थे, क्योंकि व्यवस्था को कट टू कट 100% फॉलो करने वाले कोई नहीं थे। कहीं ना कहीं गलतियां हो ही रही थी। और बाइबल कहती है व्यवस्था पाप का एहसास दिलाता है, इसीलिए व्यवस्था के उस जुए से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने सूली पर सारे संसार का जुआ उठा लिया और अपने जान की बलिदान देते हुए कहा, पूरा हो गया, अभी व्यवस्था के अधीन मत हो जाओ, मेरे अधीन हो जाओ, तो मेरे द्वारा आप स्वर्गीय परमेश्वर की संतान बन जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक बात हमें प्रेरितों के किताब का 22 अध्याय और उसका 12 वचन में, जब पौलुस अपनी गवाही दूसरी बार जब देता है कि वो परमेश्वर में कैसे आया, जब वो अपने जीवन की गवाही उस भीड़ के सामने देता है, तब वो हनन्या का वर्णन वहां पे करता है। और बाइबल कहती है प्रेरितों का किताब 22:12 में, तब हनन्या नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहां रहने वाले यहूदियों के समा सुनाम यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया। एक भक्त मनुष्य। लेकिन यही वचन मैं आपको इंग्लिश में पढ़कर दिखाना चाहता हूं। बुक ऑफ एक्ट्स 22:12 क्या कहता है, थोड़ा सा हमारे हिंदी भाषांतर में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है और हम अर्थ को समझ नहीं पाते हैं। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इंग्लिश में भी पढ़ते जाए। देखो बाइबल क्या कहती है यहाँ पे। थैंक यू जीसस। एंड वन अनायस अ डिवोट मैन अकॉर्डिंग टू द लॉ विल स्पोकन ऑफ बाय ऑल द ज्यूस हु लिव देयर। यहाँ पे दिया है डिवोटेड। एक रात को मैं भाषांतर देख रहा था, उसमें दिया है राइचियस, इसमें में दिया है डिवोटेड, हिंदी में दिया है भक्त, और हमारे मराठी बाइबल में दिया है नीतिमान, मतलब धर्मी। मतलब बताने का, इसके पीछे का मेरा मतलब या मेरा जो उद्देश्य है कि कुछ लोग यीशु मसीह के पहले मूसा तक कुछ लोग धर्मी थे, मूसा के पहले कुछ धर्मी थे, यीशु मसीह के बाद भी धर्मी है। मैंने केवल आज आपके सामने
ये टाइटल रखिए। आप बहुत बेहतरीन बात बताऊंगा, आप उस बेहतरीन बात को समझने से पहले आपको तैयारी करनी होगी, आपको खुद उस तैयारी से बैठना होगा कि हाँ मैं कुछ सीखने वाला हूं। इस वचन को समाप्त करने से पहले एक वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना डर्मी कोई नहीं है, रोमियो 3:10 के अनुसार, इसी रोमियो का 3 अध्याय और वचन 24 में उसको मुंह तोड़ जवाब है। इसी रोमियो 3:24 में क्या जवाब मिलता है देखो, धर्मी व्यक्तियों के लिए, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंटमेंट में धर्मी ठहराए जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सेंटमेंट में मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, यीशु मसीह के बलिदान से। जब यीशु मसीह के पास जब वो हम आते हैं तो हम सेंटमेंट में मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में धर्मी हो जाते। क्यों मुफ्त में धर्मी हो जाते पता है? क्योंकि उस पापी के लिए यीशु मसीह ने अपने शरीर का आखिरी कतरा भी बहा दिया, और बाइबल कहती है कि हम उसके बहुमूल्य लहू से खरीदे हुए हैं। जब कोई यीशु के पास आता है रोमियो 10:9 के अनुसार वो कबूल करता है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया। रोमियो 10:9 कहता है जो मुंह से कबूल करता है वो धर्मी हो जाता है, अंगीकार करता है वो धर्मी हो जाता है। आज लोग धर्मी होने के लिए उनके धर्मशास्त्र के अनुसार कोई पहाड़ों की यात्रा को जा रहा है, कोई 7 समुद्र पार जा रहा है, कोई अपने शरीर को यातना दे रहा है, कोई लंबी लंबी दाढ़ियां बढ़ा रहा है, कोई जटाओं को बढ़ा रहा है, कोई हिमालय के वहां पे जमाने वाली सर्दी में एक पैर पे खड़ा हो रहा है, अपने शरीर को यातना दे रहा है, कोई उस पवित्र स्नान में जाकर उस मंदिर की घाटी पर लुढ़कते लुढ़कते जा रहा है। ये सारे शारीरिक तर्क और शारीरिक यातनाओं से लोग धर्मी होना चाह रहे, लेकिन आपके लिए मेरे लिए एक घमंड वाली बात है कि आपके और मेरे लिए सारी यातनाएं सारे दर्द को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया ताकि आप और मैं सेंटमेंट में धर्मी हो जाए। हमें यातना लेने की जरूरत नहीं है, हमारी यातनाओं को 2022 साल पहले हमारे उद्धारक प्रिय प्रभु ने अपने ऊपर लिया, अपना ऊपर वो दंड लिया, सभी बातों को उसने सहन किया, उसके शरीर का ऐसा कोई भाग नहीं था कि जहां से खून नहीं बहा था। इसीलिए अजीजो वो कहता है पौलुस, हम उसके अनुग्रह से मसीह यीशु में सेंटमेंट में धर्मी हो गए। इसको इतना हल्के में मत लो, धर्मी बन गए हो लेकिन क्या धर्मी की उसी पहली कक्षा में हूं मैं या आगे आगे बढ़ रहा हूं? मैं इन बातों का खुलासा करूंगा। धर्मी जीवन के 5 स्वभाव है अकॉर्डिंग टू वचन, रोमियो याकूब 5:16 और ये रोमियो 3:10-12 यहां पर हमें ये बातें दिखती है। ये 5 स्वभाव जिस व्यक्ति के जीवन में है वो धर्मी जीवन जीने की इस संसार में ये चिन्ह देता है या ये सबूत देता है कि हाँ मैं वो धर्मी हूं जिसके लिए यीशु मारा ही नहीं गया, गाड़ा ही नहीं गया, जिसके लिए यीशु उठाया गया, जिसके लिए यीशु आने वाला है। और वो जब तक नहीं आए भले मेरा अंत हो जाए लेकिन कब्र में जाने तक मैं इस 5 स्वभाव में जीऊंगा। बहुत जरूरी है चीजों, हमें सेंटमेंट में मिला है लेकिन लोगों को जाके देखो, उनको उनके गुरु उनके महाराज जो बताते उसके लिए उनको बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती, लेकिन हमें अभिमान है, हमें फक्र है, हमें घमंड है, ये सारी यातनाओं को हमारे उद्धार परमेश्वर ने लिए। इसलिए धर्मी जीवन को व्यर्थ मत जियो, इस धर्मी जीवन को बर्बाद मत करो। अगर उद्धार का अनुभव मिला है तो आगे बढ़ो। जब हम पास्टर लोग हम लोग सेवक लोग कलीसिया को कहते बढ़ो तब उनके कुछ तो भी अलग लगता है कि क्यों हम पर दोष लगाए जा रहे। इसलिए बढ़ो, जितना आप धर्मी जीवन में बढ़ते जाओगे ना तो मुझे आपको बताना है उतना बड़ा रिवार्ड आपको यीशु मसीह देगा। आप नहीं बढ़ोगे नो प्रॉब्लम, प्रभु आपको जबरदस्ती खींचकर नहीं लाएगा।
आपको पहली कक्षा से खींचकर दसवीं कक्षा में लेकर नहीं आएगा, यह आपका चुनाव है। क्योंकि मैं फिर से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने सबको बहुमूल्य वरदान दिया है चुनाव करना, फ्री विल। आपके चुनाव के ऊपर आपके धर्मी जीवन की बढ़त है। वो चोर को भी स्वर्ग मिला, सुखलोक मिला, लेकिन वो एक कई एक कोने में पड़ा हुआ होगा। आपको वो चाहिए या वो चाहिए? शाबाश मेरे भले और विश्वासी दास, इस नगर पे तू अधिकार कर। क्या वो चाहिए आपको? अगर ये शाबाश की अगर आपको चाहिए, अगर वो परमेश्वर का पुत्र जो प्रकाशित वाक्य में कहता है कि मैं मेरे पिता के सामने और उसके दूतों के सामने मैं उनका नाम पुकारूंगा, क्या वो चाहिए? वाओ, मैं तो चाहूंगा प्रभु, मैं तेरे चेहरे पर मेरे जीवन को देखकर भी बड़ी मुस्कुराहट देखना चाहता हूं, और मुझे देखकर मेरा नाम लेने के लिए तू ललायत हो जाए, एक्साइट हो जाए कि मैं इसका नाम कब लूं। अगर आप धर्मी जीवन लिए, उद्धार पाए, बपतिस्मा लिए, चर्च आ रहे, प्रभु भोज ले रहे, प्रभु को दे रहे, अच्छा जीवन जो है, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसमें अगर नहीं बढ़ रहे, प्रभु आपको नहीं बढ़ा, आपको कदम बढ़ाना होगा। अब वो कैसे बढ़ाना है, क्यों बढ़ाना है, किस तरह बढ़ाना है, इस विषय को लेकर हम चलेंगे अगले एपिसोड में। मैं धर्मी जीवन के 5 स्वभाव बताऊंगा, और 5 स्वभाव में 5 प्रकार की सेवकाई को बताऊंगा, और ये बातों को लेकर हमको क्यों चलना है इसका महत्व भी बताऊंगा। तब तक के लिए जो आज आपको मिला है उस पर अध्ययन करो। आज तक उस वचन का रट्टा मारने वाले लोग होंगे कि यीशु मसीह पापियों के लिए आया है, उसको आपके जीवन से निकाल दो। पापियों के लिए आया था, लेकिन अभी धर्मियों के लिए आएगा, और उस धर्मी लोगों में मैं और मेरा परिवार भी रहेगा। मैं और मेरा परिवार भी रहेगा, क्या मैं और मेरा परिवार उसमें रहेगा? उसके लिए मेरे परिवार की पहचान क्या है, मेरी पहचान क्या है, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, ठीक है, लेकिन स्वर्ग और स्वर्ग के स्वर्गदूत उस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते जो धर्मी है। क्योंकि बाइबल कहती है, जो हमने शुरुआत की, धर्मियों की ओर परमेश्वर की आंख लगे हुई है, धर्मियों की दुआई की ओर परमेश्वर के कान लगे हुए हैं। स्वर्गदूत भी अचंभित होते होंगे, परमेश्वर पिता इस व्यक्ति की ओर देख रहा है, कौन है वो व्यक्ति, परमेश्वर पिता इसकी दुहाई को बहुत गौर से सुन रहा है, कौन है वो व्यक्ति। तब उन्हें पता चलेगा, अरे ये भले इसका नाम कुछ भी हो, लेकिन ये धर्मी व्यक्ति है। आमीन। अगर आज ये सत्संग मिलन पेज पर